हेलो फ्रेंड्स, चलो आज हम पढ़ेंगे सृष्टि हिंदी पाठमाला 6 का चैप्टर नंबर 2, हार की जीत। इस चैप्टर में हमें बाबा भारती और उनके घोड़े का प्रेम दिखाया गया है। हार की जीत हृदय परिवर्तन की कहानी है। अद्भुत एवं तीव्र गति तथा मनोहारी रूप वाले सुल्तान नाम के घोड़े पर डाकू खड़क सिंह का मन आ जाता है और युक्तिपूर्वक वह घोड़े को ले भागता है, किंतु खड़क सिंह डाकू का मन बाबा भारती के एक वाक्य से विवल हो उठता है और उसका हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। वह बाबा भारती को घोड़ा वापस लौटा देता है। वह हिंसक डाकू से अच्छा इंसान बन जाता है। चलो अब हम पाठ देखेंगे। माँ को अपने बेटे और कृषक को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। माँ को अपने बेटे को देखकर जो खुशी मिलती है और बाबा भारती को और कृषक यानी किसान उसको अपने खेत लहलहाते खेतों को देखकर जो खुशी मिलती है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े के साथ बिताते थे। भगवत भजन कीर्तन करके जो समय बचता था वह अपने घोड़े के साथ बिताते थे। वह घोड़ा बड़ा सुंदर और बड़ा बलवान था। घोड़ा खूब सुंदर था और खूब बलवान भी था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। उसके जैसा कोई और घोड़ा उनके इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। बाबा भारती ने उस घोड़े का नाम सुल्तान रखा था। उसे वह सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते थे। वह अपने हाथ से उसे प्यार करते थे और खुद दाना खिलाते थे और उसे देख देख कर खुश भी होते थे। उन्होंने रुपया, असबाब, माल, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था। उन्होंने अपना रुपया, पैसा, माल, जमीन, जायदाद सारी चीज़ें को छोड़ दिया था। उन्होंने यहाँ तक कि उन्हें गांव के जीवन से भी घृणा थी। उन्हें गांव का जीवन बराबर उसे भी घृणा होने लगी थी, उसे भी नफरत होने लगी थी। सब कुछ छोड़कर वह अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते हैं, भजन कीर्तन करते थे। वह गांव से बाहर एक छोटा सा मंदिर आया हुआ था, उसके अंदर रहते थे और भजन कीर्तन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, यह बाबा भारती की सोच भी थी। उन्हें लगने लगा था कि वे अपने घोड़े सुल्तान, उनके घोड़े का नाम सुल्तान था, उन्हें लगता था कि वो अपने घोड़े सुल्तान के बिना नहीं रह पाएंगे, यह वो सोचने लगे थे। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। जब वह उनका घोड़ा सुल्तान चलता था वह उन्हें बहुत अच्छा लगता था। कहते हैं ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। बाबा भारती अपने घोड़े के लिए कहते थे कि सुल्तान ऐसे चलता था जैसे मोर बादलों को देखकर, घटा को काली काले बादलों को देखकर नाचता है। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता था। जब तक वह संध्या के समय, शाम के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते थे, घूमने न जाते थे, तब तक उन्हें चैन आता न था। खड़क सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। खड़क सिंह इस इलाके का खूब मशहूर डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, लोग उसका नाम सुनकर भी डरते थे। समय बीतते बीतते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। समय जाते जाते सुल्तान के बाबा भारती नाम के एक बाबा के पास बहुत अच्छा घोड़ा है, सुल्तान नाम का घोड़ा है, वो बहुत ही अच्छा है। कीर्ति यानि यश, उसका दिल उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। खड़क सिंह का दिल सुल्तान को देखने के लिए अधीर यानी के बेचैन हो गया। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। एक दिन खड़क सिंह बाबा भारती के पास पहुंच जाता है और नमस्कार कर बैठ जाता है। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? फिर बाबा भारती ने आगे उन्हें पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? वह उन्हें जानते थे इसलिए उसे पूछा, क्या हाल, क्यों आए हो? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा है, कहो इधर कैसे आ गए? फिर खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि आपकी कृपा है बाबा जी। फिर आगे बाबा ने कहा, कहो इधर क्यों आए हो?
सुल्तान की चाह खींच लाई। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। सुल्तान की चाह यानी सुल्तान को देखने की तलब लगी थी, वो मुझे यहाँ पर खींच लाई। यह वाक्य खड़क सिंह सिर झुकाकर बोलता है। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। फिर बाबा भारती बोलते हैं कि विचित्र जानवर है मेरा सुल्तान, उसे तुम देखोगे तो खुश हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। फिर खड़क सिंह कहता है कि मैंने भी उसकी बड़ी तारीफें सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती कहते हैं कि उसकी चाल जो वो चलता है वो तुम्हारा दिल जीत लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। खड़क सिंह कहते हैं कि फिर लोग कहते हैं कि सुल्तान देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ। फिर आगे कहता है कि लोग कहते हैं आपका घोड़ा देखने में भी बहुत सुंदर है। तो बाबा जी कहते हैं क्या कहना उसके बारे में, तो जो उसे एक बार देख लेता है उसके दिल पर उसकी एक तस्वीर बन जाती है। तो खड़क सिंह आगे कहता है कि बहुत दिनों से मुझे इच्छा थी उसे देखने की, अब मैं उसे देखने के लिए आ गया हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा भारती खड़क सिंह के साथ जो घोड़े के लिए जगह होती है घोड़े बांधने के लिए, वो अस्तबल में जाकर खड़े हो जाते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया, गर्व से कहा। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा और आश्चर्य से, बाबा ने गर्व से अपना घोड़ा दिखाया बराबर, और खड़क सिंह ने उसे आश्चर्य से शौक होकर देखा। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। उसने हजारों घोड़े देखे थे पर उसने ऐसा अच्छा घोड़ा कभी न देखा था। ऐसा अच्छा घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। खड़क सिंह सोचने लगा, नसीब की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। सुल्तान को देखकर खड़क सिंह भी सोचने लगा कि नसीब की बात है, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास भी होना चाहिए। इस साधु के ऐसी चीज़ों से क्या लाभ, फिर कहने लगा, मन में सोचने लगा कि इस साधु के ऐसी चीज़ों का क्या लाभ है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है साधु महाराज को, बाबा जी को। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप उस घोड़े को देखता रहा। फिर वह आश्चर्यचकित होकर चुपचाप उस घोड़े को देखता रहा। इसके बाद उसके हृदय में हलचल होने लगी। बच्चों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। फिर आश्चर्यचकित होकर वह मन में कुछ सोचने लगा और अधीरता से बाबा जी को बोला कि बाबा जी मैंने इसकी चाल न देखी तो यह घोड़ा मैंने देखा ही नहीं, यूँ मैं समझूंगा। बाबा जी भी मनुष्य ही थे, बाबा जी भी इंसान ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। अपनी घोड़े की प्रशंसा दूसरे के मुँह से सुनने के लिए उनका मन भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए। बाबा जी घोड़े को अस्तबल से निकालकर बाहर लाते हैं। घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया बराबर। तो घोड़ा बाहर आकर तेजी से दौड़ने लगा। उसे देखकर खड़क सिंह का मन पलट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझता था। खड़क सिंह तो एक डाकू था, उसे जो चीज़ अच्छी लगती थी उसे उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे, वह खूब बलवान भी था और उसके पास डाकू के अपने आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। फिर जाते जाते खड़क सिंह ने कहा कि बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। यह कहकर खड़क सिंह बाबा भारती के पास से चला जाता है। उसका मन पलट जाता है कि यह घोड़ा मेरे पास मुझ जैसे डाकू के पास होना चाहिए, यह बाबा भारती के किसी काम का घोड़ा नहीं है। चलो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे का चैप्टर सीखेंगे, पार्ट 2 के अंदर।